महानगर को सोमवारी जाम से निजात दिलाने के लिए एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने नौसर चौराहे सहित शहर के विभिन्न चौराहों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि सोमवारी जाम से निजात दिलाने के लिए शहर में रूट डायवर्जन किया गया है तथा रोडवेज की बस जो आजमगढ़ मऊ वाराणसी से आती है उनको नौसर बस स्टैंड पर ही रोका गया है तथा बाकी बसें मोहद्दीपुर होते हुए अपने गंतव्य को जा रही हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर बेतिहाता तरफ से जो चार पहिया वाहन जा रहे थे उनको पैडलेगंज की तरफ डायवर्जन किया गया है, जिससे मेडिकल कॉलेज जाने वाले लोग शहर में ना जाएं व बाहर बाहर मेडिकल कॉलेज और अपने गंतव्य को जाएं तथा शहर में जाम की स्थिति ना बने तथा जो यात्री हैं बस स्टैंड से यात्रा करते थे उनके लिए इलेक्ट्रिक बसों का इंतज़ाम किया गया है। इससे ऑटो वाले की मनमानी किराया वसूलने पर रोक लग सके तथा जो लोग नौसर चौराहे पर उतर रहे हैं उनको भी इलेक्ट्रिक बसों से शहर में भिजवाया जा रहा है तथा प्राइवेट बसों को शहर के बाहर बने स्टैंड पर लगाया जा रहा है, वहीं से वह अपने सवारी को भरकर अपने गंतव्य को जाएंगे। शहर में सड़क किनारे खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है तथा साथ ही वाहनों का चालान भी किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि महानगर में बनाए गए पार्किंग स्थलों में अपने वाहनों को पार्क करें, जिससे उनकी गाड़ी सुरक्षित रह सके और शहर में जाम की स्थिति ना बने और अपने गोरखपुर को स्वच्छ और सुंदर बना सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने कहा, जो सोमवार को प्रत्येक सोमवार को जाम लगता है उसके दृष्टिगत रूट डायवर्जन किया गया है। जो हमारी रोडवेज की बसें हैं जो आजमगढ़ मऊ और वाराणसी से आ रही हैं उनको नौसर पर रोका गया है। शेष बसें सब रोडवेज बस अड्डे पर जा रही हैं मोहद्दीपुर होते हुए, लेकिन मतलब पहले से अमर उजाला त्राय से भी जा रही थी और इधर से भी आ रही थी तो उनको सिर्फ मोहद्दीपुर से ही आने और जाने का रूट दिया गया है। इसके अलावा टीपी नगर से जो बेतिहाता की तरफ फोर व्हीलर जाते थे उनको पैडलेगंज की तरफ डाइवर्ट किया गया है ताकि जो लोग मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं वो शहर के अंदर से ना जा करके शहर के बाहर बाहर जाएं ताकि शहर के अंदर जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। जो हमारे यात्री हैं उन जो कचहरी बस अड्डे से बस लेते थे उनके लिए इलेक्ट्रिक बसों का इंतजाम किया गया है ताकि जो ऑटो है चालक हैं उनसे मनमाने रेट ना चार्ज कर सकें, जैसे समस्या पिछली बार आई बताई गई थी। इलेक्ट्रिक बसों का इंतजाम करके उनको छात्र संघ से नौसर बस अड्डे की तरफ पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह से जो नौसर पे उतर रहे हैं पैसेंजर्स उनको इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से शहर में भी पहुँचाया जा रहा है। जो हमारी प्राइवेट बसें हैं उनको जो ज़िले का ऑटो स्कर्ट्स है कोनी जगदीशपुर रामपुर रामनगर करजहा और बागागाड़ा यहाँ पर रुका गया है और यहीं से वो अपने पैसेंजर्स लेके अपना बस चलाएंगे। मैम जो भी नौसर उसे रोड किनारे गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं तो आने लगा रोक के लेगा, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? उसमें एडी साहब की तरफ से और एसएसपी साहब की तरफ से डीआई साहब की तरफ से एक अभियान चलाया गया था अतिक्रमण हटाने का। इसमें जिला पुलिस के साथ में मिलकर के अतिक्रमण हटवाया जा रहा है, लेकिन वही कि वो पुनः अपना लगा लेते हैं फिर भी लगातार इस दिशा में भी प्रयास जारी है। जनता
जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जो हम लोग का सहयोग करें यातायात पुलिस का गोरखपुर को एक अच्छा यातायात देने में, और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बेवजह इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी मत करें। जहाँ पे पार्किंग स्थल चिन्हित है गाड़ियाँ वहीं खड़ी करें, जहाँ पे पार्किंग नहीं है वहाँ पे सड़क के किनारे दबा के गाड़ियाँ खड़ी करें, ताकि किसी के प्रकार का यातायात बाधित ना हो और लोग आराम से सड़कों से निकल सकें।